What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from tradingfab.in. आज 38 दिसंबर 2019 मंडे है, सुबह के 8:23 हो रहे हैं। नया वीक है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, एंड ऑफ द ईयर ये वीक कहा जाएगा। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं, यानी फ्राइडे के एनालिसिस का। ये एक पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 27 दिसंबर आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया था। अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के या फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,155 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,117। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये निफ्टी इंडेक्स का 10 मिनट का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था उसी के पास ये ओपन हुआ और टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ, और ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है उसका सपोर्ट लेके फिर से ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव हुआ। तो हमारे फर्स्ट टारगेट के पास ये ओपन हुआ, तो एज पर हमारा जो प्लान था, प्री मार्केट प्लान था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि ये जबरदस्त तेजी में ऊपर की तरफ मूव हुआ। पूरा ट्रेडिंग सेशन इसने अपसाइड मूव हमें दिखाया। तो ये जो फ्राइडे का प्लान था उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन रहा था फ्राइडे को। तो ये था हमारा फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स के भी हालात देख लेते हैं। फ्राइडे US मार्केट में नैसडैक देखे तो हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स सभी हरे निशान में बंद हुए थे, लेकिन जबरदस्त तेजी नहीं थी, हल्की सी तेजी के साथ यूरोपियन मार्केट्स बंद हुए। और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो SGX निफ्टी हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स में 123 पॉइंट की गिरावट दिखा रही है, और हांगकांग और चाइना मार्केट भी हल्के से प्रेशर के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। और डाउ फ्यूचर देखिए तो 38 पॉइंट की बढ़त इस समय दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत आ रहे हैं। पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट, हमने यहाँ पर अभी लास्ट स्विंग लो पकड़ के यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। अगर आप हमें कई सारे दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने ये टूल को यूज करके आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 38.2% का लेवल है 12,240, इसी के पास ऑलमोस्ट आके ये लास्ट वीक क्लोज हुआ है। तो यानी नीचे का ये जो 12,084 का सपोर्ट है, ये भी कंफर्टेबली यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही लास्ट इसने अगर देखे तो ये जो एरिया है यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था अराउंड 12,080 के पास। और पास्ट में भी इसने ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो है डबल टॉप जैसा यहाँ पर फॉर्मेशन बनाया था, तो यहाँ पर भी इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया था इसी लेवल के पास। तो नीचे 12,080 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर अभी 12,240 का ये जो लेवल हमने प्रोजेक्ट किया है फिबोनाची एक्सटेंशन टूल के हेल्प से, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट लेवल यहाँ से 12,366 का होगा। ये एज पर वीकली चार्ट की हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम में जो स्विंग हाई लो पकड़ा है हमने उसके हिसाब से ये लेवल्स यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो अभी स्ट्रक्चर एक्सट्रीम बुलिश है। डेली चार्ट पे देखें तो फ्राइडे को यहाँ पर पिवट बार रिवर्सल पैटर्न बना है, यानी अगर मैं इसे बार चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो लास्ट हाई लो और क्लोज प्रीवियस कैंडल का ये जो हाई लो और क्लोज है उसके ऊपर है, ऐसा काफी कम बार देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो करेक्शन आया था, 2 दिन का जबरदस्त करेक्शन आया था, उसके बाद में यहाँ पर इनसाइड गैप अप ओपन हुआ और ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ही ये ट्रेड कर रहा था। तो ऐसा पैटर्न जब भी आता है तभी उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से और भी हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी इसे ऑल टाइम हाई का ये जो निफ्टी इंडेक्स का लेवल है ये जरूरी है इसे कंफर्टेबली ब्रेक करना, क्योंकि यहाँ पर अगर ये इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं करता, यहाँ पर ही अगर ये पेनेट्रेट करता है तो यहाँ पर ये डबल टॉप फॉर्मेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये डबल टॉप फॉर्मेशन बनता है और ये नीचे की तरफ आके फिर से अगर इस ये जो स्विंग लो बनाया अभी लास्ट स्विंग लो,
यहाँ पर जबरदस्त सपोर्ट कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये जो कैंडल बना है ये पिवट बार कैंडल बना है, बुलिश कैंडल, तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो और निफ्टी में यहाँ से हमें करेक्शन दिखाई से दे सकता है। हालांकि अभी एक महीने के बाद बजट है, तो प्री बजट रैली, अपसाइड रैली यहाँ से हमें देखने को भी मिल सकती है। तो टेक्निकल लेवल्स जब तक ये क्रॉस ना करे तब तक अपनी लॉन्ग पोजीशन यहाँ से कैरी ना करे, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो, काफ़ी एक्सट्रीम बुलिश कंडीशंस यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म के ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और 20 EMA को अभी तक डेली चार्ट में इसने ब्रेक नहीं किया है, इसके ऊपर ये सस्टेन कर पा रहा है। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में। आज के लिए क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। लास्ट हाफ एन आवर में फ्राइडे को जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, करीब 50 पॉइंट्स का ये कैंडल बना था, स्ट्रांग बुलिश कैंडल। तो इसका अगर ये हाई ब्रेक करता है आज की तारीख में, ये हाई यानी 12,258 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, एक कलर चेंज कर देते हैं, स्टाइल चेंज कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ब्रेकआउट लेवल। तो ये हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल और हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा ये पिवट पॉइंट का लेवल, जो कि अराउंड 12,020 के पास है। यहाँ पर देख सकते हैं यही हमारा सबसे पहला सपोर्ट लेवल है, जहाँ पर इसने पास्ट में ये सपोर्ट टेस्ट किया हुआ है और उसके पहले यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो यहाँ पर ही पिवट पॉइंट का आज का लेवल आ रहा है, तो ये काफ़ी क्रुशियल लेवल होगा। अगर निफ्टी को टूवर्ड साउथ की तरफ जाना है तो ये पहला सपोर्ट, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस लेवल को हम मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेकडाउन लेवल, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, ब्रेकडाउन लेवल। तो ये हमारा हो गया ब्रेकडाउन लेवल। अभी अगर ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है और इस ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक छोटा सा क्विकली टारगेट होगा 12,273, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा निफ्टी का ये जो ऑल टाइम हाई लेवल है इसी के पास 12,290, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ वो मूव करता है और ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करता है तभी हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, यानी 12,220 के नीचे अगर ये सस्टेन होता है तो ये हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 12,200, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 12,189, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।